हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल पर। दोस्तों, आज ही फेसबुक में एक नया अपडेट ऐड किया गया है, नया फीचर आया है जिसका नाम है फेसबुक क्रिएट रूम। तो कैसे यहाँ पर फेसबुक में आपको रूम क्रिएट करना होता है और कैसे इसका यूज करना होता है, सारा कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले लाइक जरूर कर लीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको सारा कुछ मोबाइल की स्क्रीन पर लेकर ले जाकर आपको बता देता हूं। तो चलिए यहां पर मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर आपका फेसबुक और फेसबुक मैसेंजर दोनों को आपको अपडेट कर लेना है जो कि प्ले स्टोर से। तो उनको सबसे पहले अपडेट करने के बाद में तो यहां पर आपको ऐसे फेसबुक को ओपन कर लेना है। तो चलिए मैं यहां पर अपना फेसबुक अकाउंट ओपन कर लिया हूं। कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस आपको इसमें देखने को मिलता ही है। यहां पर आपको अपनी डीपी है उसके जस्ट ऊपर एक क्रिएट रूम का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, इस पर आपको टैप करना है। तो जैसे ही आप यहां पर टैप करते हो तो यहां पर आपसे क्रिएट करने के लिए एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में यहां पर आपको फर्स्ट नंबर का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, रूम क्रिएटिविटी, तो इस पर आपको सेलेक्ट करना है। जैसे ही यहां पर आप सेलेक्ट करते हो तो यहां पर आप कुछ भी मतलब सेलेक्ट कर सकते हो। यहां पर क्या मतलब पार्टी चल रही है या कुछ हो रहा है, या फिर किसी का जैसे बर्थडे है तो उसकी मतलब वीडियो आप लाइव सेव करना चाहते हैं, या फिर कोई पार्टी है तो उसे दिखाना चाहते हैं तो यहां पर डांस पार्टी सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहां पर कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो, तो ज्वाइन मी या फिर कुछ भी। तो चलिए मैंने यहाँ पर डांस पार्टी सेलेक्ट कर लिया, अपने हिसाब से आपको सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद में हु इनवाइटेड, तो यहाँ पर आपको हु इनवाइटेड में भी दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं। एक है फ्रेंड्स का, यानी कि सारे फ्रेंड्स को इनवाइट करना चाहते हो, या फिर स्पेसिफिक पीपल, यानी कि किसी किसी फ्रेंड को बुलाना चाहते हो। तो चलिए यहाँ पर अपन स्पेसिफिक में जाते हैं और किसी किसी फ्रेंड को इन्वाइट करते हैं एक तरह से। तो यहाँ पर मैंने अपना एक अकाउंट था पुराना, उसको ही सिलेक्ट कर लिया, क्योंकि मैं बस यहाँ पर आपको ट्रायल बता रहा हूँ एक तरह से। तो मैंने उसको सिलेक्ट करके और उस पर इन्वाइट क्लिक कर दिया, ठीक है। अब इसको अपन को फिर सेव भी करना होता है। तो ये अपना सेव हो चुका है, ठीक है। इसमें ऐड भी हो गया, देखो यहाँ पर लिखा रहा हु इज इनवाइटेड के नीचे जस्ट वन फ्रेंड, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अब स्टार्ट टाइम पर सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर स्टार्ट टाइम में यहाँ पर जैसे आपके फ्रेंड्स बिजी हैं और उनको टाइम एक तरह से शेड्यूल देना है, तो यहाँ पर आप मतलब टाइम सेलेक्ट कर सकते हो। सबसे पहले डेट सेलेक्ट कर सकते हो, डेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको टाइम सेलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पर चलिए टाइम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर 6:53 हो रहे हैं, तो मैं इस टाइम को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो 55 सेलेक्ट करके ओके कर दिया, ठीक है। और इसको भी आपको सेव कर देना है। जैसे ही यहाँ पर आपका जो कि रूम है वो क्रिएट हो चुका है पूरा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो अपना क्रिएट रूम का ऑप्शन आपसे कंफर्म मांग रहा है, उसको आपको ओके कर देना है। तो जैसे ही आप क्रिएट रूम को ओके कर देते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रेंड, यहाँ पर सारा मतलब आपका जो रूम है वो क्रिएट हो चुका है। इसे आप इनवाइट पे क्लिक करके यहाँ पर आपके और फ्रेंड्स को इनवाइट कर सकते हो अगर चाहो तो। इसे आप शेयर करना चाहते हो तो शेयर भी कर सकते हो, जैसे कि किसी और अदर फ्रेंड्स को ऐसा कुछ, या फिर कुछ लिखना चाहते हो यहाँ पर कि मतलब पहले ही कुछ अलर्ट देना चाहते हो तो यहाँ पर पोस्ट भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, एडिट का भी है, ठीक है। और यहाँ पर अपना नीचे की साइड ऑप्शन आता है कि यहाँ पर गो टू स्टार्ट वीडियो चैट, यानी कि अभी करना चाहते हो तो यहाँ पर ओपन योर रूम, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर इसको भी आपको प्रॉपर दिखा देता हूँ। तो जैसे यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो ये आपको मैसेंजर में लेके चला जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर आपका रूम जो कि रूम क्रिएट रूम का जो कि इंटरफेस कुछ इस तरह का यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर और भी आप फ्रेंड को इनवाइट कर सकते हो। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको दिखा दिया हूँ, इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ, लीव कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये एंड हो चुका है एक तरह, ठीक है। अब इसको यहाँ पर बात आ रही है कि ये अपना क्रिएट तो हो चुका है, अब इसे एंड कैसे करना है। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो जो चार ऑप्शन दिख रहे हैं इसमें लास्ट में दिख रहा है एंड रूम, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही एंड रूम पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर जो अपना रूम क्रिएट किया था अपन ने वो मतलब एंड हो चुका है एक तरह से। तो अब उसे एक तरह से मतलब आपको फिर से क्रिएट करना होगा। तो कुछ इस तरह से सारा वर्क करता है, सारा कुछ यहाँ पर आपको मैंने लगभग बता दिया है। अभी भी कुछ समझ में नहीं आया तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। उम्मीद है ये फीचर आपको पसंद आया होगा और ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करना, फ्रेंड लोगों को शेयर जरूर कर देना फेसबुक और व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे तो करना ही है जिससे लोगों को ये फीचर के बारे में समझ आ सके। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर आप मेरे चैनल पर नए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लेना। और फ्रेंड्स, तो चलिए मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड लक।